अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। लेट्स ओपन पेज नंबर 30। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रैशनल नंबर पे जो ऑपरेशन थे उनमें से कौन कौन से दो ऑपरेशन देखे, एडिशनल और सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। आज हम करेंगे मल्टीप्लीकेटिव या मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन टू रैशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, यानी जब दो रैशनल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और जब वो मल्टीप्लाई होते हैं द प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। प्रोडक्ट क्या आता है, वो भी एक रैशनल नंबर होता है। कहते हैं इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी ए भी रैशनल नंबर हो और बी भी रैशनल नंबर हो, देन ए बी यानी ए और बी का जो मल्टीप्लाई होता है वो भी बिलोंग करता है कहाँ से, रैशनल नंबर से। ये जो लाइन हमने अभी पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल 2/7 and 21/8 आर रैशनल नंबर, यानी 2/7 एक रैशनल नंबर हो एग्जाम्पल है और 21/8 है हमारे पास रैशनल नंबर, तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जैसे हमने एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में किया था डिनोमिनेटर सेम किया था, यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम नहीं करना, जस्ट हमने एक चीज़ देखनी होती है यहाँ पे कि अगर वैल्यूज़ ऊपर नीचे या क्रॉस में अगर एक ही टेबल से कट रही हैं तो कटिंग करने के बाद उन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता तो जस्ट हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 7 और 21 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 7 1 7 and 7 3 21, जबकि 2 और 8, 2 1 2 and 2 4 8, 3 1 3 and 4 1 4, तो 3/4 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है और यही आपका आंसर होगा। अगर ये चीज़ आपको मुश्किल लगती है तो आप क्या करें, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के लिखें, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करवा के लिखें, जो आंसर आएगा उसकी कटिंग कर लें तो भी आंसर आपके पास 3/4 आएगा, विच इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। देयरफॉर रैशनल नंबर आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी ए और बी जैसे हमने कहा था क्या है, कम्यूटेटिव है, ए प्लस बी किया जाए। जब हमने एडिशन प्रोसेस किया था तो हमने कहा था ए प्लस बी किया जाए तो वो इक्वल होता है अगर हम बी प्लस ए करें तो, ये दोनों चीज़ें सेम आती हैं, लेकिन हमने कहा था कि ये कम्यूटेटिव होता है लेकिन ए माइनस बी करें तो वो कभी भी इक्वल नहीं आता बी माइनस ए के, तो ये कम्यूटेटिव नहीं था। आज हम कह रहे हैं ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो इक्वल होगा बी या ए को मल्टीप्लाई करवाएं, यानी तो ये कम्यूटेटिव होगा। कैसे होगा कि अगर हम ए बाई बी एक वैल्यू लिख लें और एक सी बाई डी लिख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ऊपर क्या आता है, ए सी बाई बी डी, और इन्हीं की पोजीशन अगर चेंज कर लें सी डी मल्टीप्लाई ए बी, तो तब भी तो यही आएगा ना, ए सी बाई बी डी, तो क्या है, कम्यूटेटिव है, यानी इनके मल्टीप्लीकेशन के आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मूव टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 3/4 and 5/2 आर टू रैशनल नंबर देन। अब यहाँ पे एक दफ़ा 3/4 × 5/2 लिखा और नेक्स्ट टाइम में 5/2 को पहले लिख के 3/4 से, तो मल्टीप्लीकेशन करवा के देखा गया क्या क्या सेम आंसर आता है। तो देखें 3 और 5 को, क्योंकि इन दोनों 3 और 4 और 5 की कटिंग नहीं होती, 3 और 2 की कटिंग नहीं होती, यानी कटिंग नहीं होती जब, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई साइन के साथ लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ को भी एज इट इज़ मल्टीप्लाई साइन के साथ लिखते हैं, 3 × 5 4 × 2 ये लिख लिया, 3 5 = 15 4 2 = 8, यहाँ पे देखिए 5 3 = 15 and 4 2 4 = 8, तो आंसर क्या है, दोनों सेम है, यानी ये आपस में कम्यूटेटिव है, इनकी प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इसी तरह हम 3 नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब हमारे पास नंबर क्या गिवन था, एक 6/7 10/4 and 3/5, तो क्या था, सबसे पहले जो ब्रैकेट है हम उसे सॉल्व करेंगे, तो अगर तो ये दोनों कटिंग होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप सिंपली मल्टीप्लाई करवा लें 10 × 6 7 × 4, और ये वाली चीज़ एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी, 10 6 = 60 / 7 4 = 28,
मल्टीप्लाई 3 बाय 5, जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाए उसका भी एक रैशनल नंबर की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाए, देन हम उसे नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं। एंड 63 से 180, 28 मल्टीप्लाई 5 आता है 140। अब इनकी कटिंग कर ले तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 बाय 7। इसी तरह इनकी पोजीशन चेंज की हुई है, दूसरी साइड पे 6 बाय 7 को ब्रैकेट से बाहर लिखा है, पहले 10 बाय 4 और 3 बाय 5 का मल्टीप्लीकेशन है, देन उसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने 6 बाय 7 से मल्टीप्लाई करवाया, तो आंसर जो है दोनों का सेम है। तो स्टूडेंट चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आज जो हमने काम किया उससे रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है जस्ट आपने बाय को हटा के मल्टीप्लीकेशन साइन डालना है और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कराना है। इसी तरह ये तीनों क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए तीन टर्म्स का जो अभी हमने करके आए हैं, पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, और आपकी राइट हैंड साइड पे पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके आंसर को आपने इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, और दोनों टर्म्स के आपके आंसर सेम हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 में जस्ट ये चेंज है कि आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट में भी मल्टीप्लीकेशन साइन है, दूसरे में भी मल्टीप्लीकेशन साइन है, बीच में आपके पास है एडिशन। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन लिखा, अब इसको करने का तरीकाकार क्या है कि आप पहले दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, प्लस साइन को एज इट इज रहने दें। -8 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस साइन एज इट इज आगे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई -16 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 25। इस ब्रैकेट का आंसर क्या आ जाएगा, 8 3 जै 24, माइनस साइन के साथ आ जाएगा 24 एंड 5 4 जै 20, प्लस साइन ब्रैकेट एज इट इज डालें, 7 को 16 से जब मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है -112 डिवाइडेड बाय 25 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है हमारे पास 200। हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। -24 ब्रैकेट सॉल्व करनी है आपने, 20 प्लस माइनस माइनस 112 डिवाइडेड बाय 200। अब देखिए अब हमारे पास एक किस्म का क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। तो जो काम हम सब्ट्रैक्शन में करते थे कि डिनोमिनेटर सेम करना है, तो अब देखिए यहाँ पे 200 है, यहाँ 20। अगर 20 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो हम जस्ट इस टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -24 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10, और इस टर्म को एज इट इज लिखते हैं क्योंकि हमने जस्ट डिनोमिनेटर सेम करना था। ये आ जाएगा -240 डिवाइडेड बाय 200 -112 डिवाइडेड बाय 200। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखेंगे, -240 -112। अब माइनस माइनस क्या होती है, प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस। अब इन वैल्यूज को पहले करते हैं ऐड, -240 -112, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन हम क्या लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का। तो बड़ी वैल्यू क्या है, 240, तो इसका साइन है माइनस इसके साथ, और इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 2 4 एंड 1 5, 2 एंड 1 3, मीन्स के आंसर आ जाएगा हमारे पास -352 बाय 200। अब इन दोनों की अगर एक ही टेबल से कटिंग होती है तो इनको हम कटिंग कर लेंगे। कैसे कटिंग करते हैं इसकी, 2 के टेबल से तो आ जाएगा 2 2 10 जै 20 एंड 0, 2 1 जै 2 2 7 जै 14 एंड 2 6 जै 12। अगेन कटिंग हो सकती है 2 के टेबल से, 2 50 टाइम 100 एंड 2 88, 2 8 जै 16, 1 इधर क्या आ जाएगा, 2 8 जै 16। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 जै 8, 2 4 जै 8 एंड 2 2 जै 4 एंड 2 5 जै 10। तो अब 25 और 44 की कटिंग नहीं होती, तो हम आंसर लिख लेंगे इसका -44 बाय 25। ठीक है, तो इस तरह आपने अपनी एक्सरसाइज के
क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट करना है। अगर ब्रैकेट्स में किसी चीज़ की कटिंग होती है तो आप वहीं पे कटिंग करने के बाद उसको रिड्यूस कर लें, देन आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रखें। तो स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज का 7, 8 और 9 क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।